देखो भैया लाइट आई, लाइट आ गई, ठीक। और नीचे आ जाओ। तार जोड़ दे। अरे नीचे आ जाओ जरा, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार। काहे तो तुकरी से चिल्ला रहे हो? अरे भाई परसों से घर से बिजली नहीं आ रही है, मेनामा का ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है, वो देख लेंगे। हटिया खुली जरा वापस, आड़ रहो कलेक्टर गंज, बात बात पर फैंटम बनना, छोड़ा बैठ के मारो तंज। अरे अंग्रेजन तो बिसर गए और गैया रोड पे फसर गई, अंडू बक्सई करते करते बची तुझे जब कसर गई। अरे फसर गई, अरे फसर मची है जाट के लाल दतूरा, और आते मुझे चिराग ले पूरा कान पूरा भैया, पूरा कान पूरा कान पूरा भैया, पूरा कान पूरा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा कि बिना
पैसा जमा कराए, कोई भी आदमी बिजली ना चला पाए। मैडम, अगर कहीं भी ढिलाई ऑफिशियल लेवल पे है तो उसको भी बख्शा नहीं होगा। ठेकेदार के खिलाफ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अगर हमारा ही कोई कर्मचारी अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहा होगा उसको भी समझ नहीं होगा। सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिला के उसको भी कितना बकाया है? टोटल बकाया है 2000 करोड़। 2000 करोड़, 27 लाख की आबादी है, बिजली तो हर कोई चाह रहा, बट कनेक्शन केवल 5 लाख थे जिसमें से इतने तो बकायदा ही हो गए, इतने नॉट फाउंड हो गए, तो गए कहाँ? राजस्व वसूली में ढिलाई व उपभोक्ताओं की समस्याओं व शिकायतों में लापरवाही करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कड़े तेवर नई केस्को MD रितु माहेश्वरी ने ग्रीन पार्क में आयोजित केस्को की बैठक में दिखाए। उन्होंने बिजली चोरी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के साथ कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में उन्होंने सघन अभियान चलाने का केस्को अधिकारियों को निर्देश दिया और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कार्रवाई करने की भी बात कही। जल्दी से बंद कर लो, यहाँ आग लग गई है तो वो मुसरी मर जाएगी, बहुत बहुत लंबा झटके में आ जाएगी। चार सौ ट्रांसफार्मर की एक ST हुई थी जिसको बांधने के लिए आलू मंडी इनके नरसट का मैंने सिद्धांत लिया। ट्रांसफार्मर बंद हुआ, लोहा सिंह चालू, हमारा पर हुनर है, इतने भयंकर कटी आवाज है जो इलाके में नहीं, पूरा इलाका रैली चलता है, लोहा सिंह कटी आवाज, लोहा सिंह कटी आवाज, लोहा सिंह कटी आवाज। हम तो कटिया ऐसे डाल रही है, शायद इतना बड़ा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कटिया मेरे हिल नहीं पड़ती। हाँ चालू कर दे भाई। हाँ हो गया। तो अब भाई सभी SDO आज मैंने इसीलिए बुलाया, इस वक्त कोई मुझे डिवीजन में नहीं चाहिए, स्पष्ट बात है। आपके JEEs भी और आप खुद लोग बिल्कुल सब बाहर ही रहिए, कनेक्शंस कहाँ कटने हैं, कहाँ रेड होनी है, कहाँ पैसा नहीं आया है, कहाँ कटिया लगी है, सब आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो ले लीजिए। बट अब प्रेशर बनाइए कंज्यूमर्स पे, अब वो रहम और वो सब ये नहीं कि इसको पार्ट पेमेंट कर दिया और इसका 1000 से नीचे का तो इसको छोड़ दिया, ये सब नहीं कहानी होनी चाहिए। लाइन से कनेक्शन कटवाना शुरू करिए। कितने साल से हैं जाजपुर में भाई? 3 साल होने लगे। अब आराधी नंबर की समस्या उनको हो तो समझ आता है, आपको हो तो फिर बेकार की बात है। वो तो 2 महीने से बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस आ रहा है रेवेन्यू में। ये छज्जे से लाइन जाती है तो दिन में तो कोई जरूरत नहीं, रात में वो अपने यूज कर लेते हैं, सब बिल्कुल छज्जे के ऊपर से लाइन जाती है। 50-60 कनेक्शन डेली कल से कटने चाहिए आपके, समझ रहे हैं? एंड आई एम गोइंग टू टेक एक्शन। अगर यही हाल रहा, यही डिसकनेक्शन होते रहे तो मैं सभी के खिलाफ एक्शन लूंगी।
लकड़ियाँ लगी हैं, फोटो खींची सकती है। जी सर। रात को लगाते हैं और सुबह उतार लेते हैं। फोटो खींचो, सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ेंगे। जी सर। शुरू कर दो, यहीं से कर दो। ओके। बस। अरे खुला है, खुला है, दो आदमी अंदर जाइए। हेलो, आ जाओ इधर, आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे आओ, कैसा से इधर आओ, बताए ना, आप ही रहते ना। हाँ। और कौन रहता है इधर? उधर तक गई है, उधर कनेक्शन उधर बल्ब जल रहे हैं। क्या नाम है लड़की का? क्या नाम है लड़की का? बोलो भाई। राकेश। क्या क्या करते हो, कुछ काम धंधे के बारे में बताओ। डेकोरेशन का काम। डेकोरेशन का काम करते हो। ये कमरा है तुम्हारा, जरा खोलो, जरा देखे जरा। हाँ। लाइट जलाओ। लाइट तो आ नहीं रही। लाइट तो आ रही है, बाकी जगह मोटर चल रही है, तुम्हारे यहाँ कैसे नहीं आ रही? नहीं। Thank you.
नहीं देना पड़ेगा बिल से, क्या जुर्माना है बिजली चोरी की पेनाल्टी, इसको नहीं जमा करने पर एफ आई आर होगी। ऐसे चलेगा तो हम लोग यहाँ पर रह पाएंगे बत्ती बगैर? आप लोग तो धीरे से चेक काटिए बस, अपना अपना बता दिया, हम लोग की समस्या नहीं समझते हैं। और कभी भी नहीं समझा जाती, कहीं इधर से लगाना है, कभी दो चार दिन लगा जाएंगे फिर टूट जाती है, हमेशा यही होता है। मजबूरी है भाई साहब, दूसरी लाइन से जोड़ना, यहाँ की तार एक लाइन केवल आई हुई, वजह एक लाइन से काम चल सकता है, इसमें भी लाइट कभी कभी आती कभी नहीं आती, तो मजबूरी होती है कि दूसरी लाइन से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। मीटर ले रखा है तो लाइट तो जरूर यूज करेंगे ही, और इसी प्रकार से ये लोग इतना हरेसमेंट करते हैं, जो नहीं चोर व्यक्ति नहीं है उसको भी साले चोर बनाते हैं बिजली वाले, बिजली वाले इतने साले चोर हैं, एक नंबर के कमीने लोग हैं लोग। खाने तक के मोहताज हैं, क्या करें बताओ, इतनी कमाई नहीं है कि हम बिजली की लाइन लगवा सकें, डेली कमाना डेली का खाना है। Yeah, when I joined KESCO, I thought of it as a normal electricity supply company. But of course, I had heard that, Kanpur is a tough place as far as electricity is concerned. And there have been a lot of law and order related issues related to KESCO and electricity supply in this city. It is for sure that everyone today wants to have electricity and electricity supply at home. But they all think that, yes, it should be provided to us free of cost because we are poor. But it cannot be that way. How much can government subsidize? As far as theft is concerned, it is something which even poor do and rich also do. So it is not only what I'm trying to say is that it is a loss for the department also. Government has to pay for it, it has to be produced and then it has to be sold to the people. And unless those who are using it, they pay for it, government cannot provide more of it. सब जो है बात करा लो, मतलब कैसा लो बाहर नहीं कर लो। आदमी पहले बिजली चुलाता नहीं था, चोरी करने का आइडिया किसने दिया? जो केसा रे जो मिस्त्री हैं वो दीने रास्ता पूरे, उनको 100 धनुष का प्यार रहता है। गांधी जी जो रहते थे रास्ता, गांधी जी दिखाई था ना, वही 100 धनुष गांधी जी तो दे दो, वही रास्ता केसा ले दिखा देते, हम जा रहे हैं यहाँ ताल रोड है, इसे तटिया डाल लेना। बिजली चोरी तो उन्हीं ने सिखाया है पब्लिक को। एक तो फैजी भैया रहते हैं, उनके लाइट मेरी जलती रूपम, अभी तक रात में गए उनके घर, अंधेरे में बैठे थे, रूपम लाइट आ रही थी, मैं फैजी भाई ताल लिया जोड़ रही हूँ, मतलब पता नहीं था वो दल से भाव दिए। जो सब काम कर रहे वो भी तुम भी करो काम, अब पता नहीं कैसा आलो डलते हैं या छापा पड़ जाए उठते डलते हैं, लोहा सिंह तो आ जाए सामने बात चलो, लोहा सिंह तो किसी डलता नहीं है, या कैसा ले आ जाए या पुलिस आ जाए, हमें किसी की परवाह नहीं है। पर यार अच्छे हम चिलंट नहीं चलते तो कैसा ले क्या डल लेंगे, उन तो उठा दे हम सोड़ना है टेंशन में टान दे, तब सिगड़ी पर चले उनका हाथ पकड़ ले रस्सी दे इसे हाथ यूँ यूँ डले बांध जाए टेंशन, लाइट आए फट फुटान मल जाए, भोसड़ी वाले चोर कैसा ले पैसे ले जाइए, लाइट भी नहीं देंगे तेज देते। बैठ जाओ पर्ची लिया।
बिजली का बिल ही हमारा सही नहीं हो रहा है, जबकि मैडम मैडम हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मैडम आप अपने स्तर से, क्योंकि हम एटीएम पे काम करते हैं, इसलिए एटीएम में ये दो हमारे घर बच्चे भी बाहर पड़े हुए और पुलिस अलग परेशान कर रही, फर्जी मुकदमा राजेश वर्मा ने हमें करवा दिया, मेरा नाम भी नहीं है, आप पुलिस परेशान कर रही, वो उसको पैसा चाहिए। किस चीज का वो कहते हैं कलेक्शन का और बिजली चोरी का, हम बताइए मैडम मेरे नाम कलेक्शन कटा था, आप कायदे से कलेक्शन कटा था हाँ, उसके बाद हमने पैसा जमा किया मैडम 8000 रुपया डिस्कनेक्शन चार्जेस जमा करे मैडम। कल्याणपुर जी हाँ, हेलो ये विनय कुमार तिवारी है, ये बता रहे इनका बिल नहीं ठीक किया जा रहा है। बस काम नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, और फिर जब से बताया कि अब वहाँ पे न्यू एमटी आ गई है लेडी, जाओ उनसे बात करो, तो मैं गई उनसे मिलने, तो खुशी हुई कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उसको उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट भी दिया हमारी बात सुन के। मुझे उनके काम को देख के लग रहा है कि कानपुर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में तो डेवलप करे कर रहा है और आगे भी करेगा, और खुशी हो रही है तो जितनी है उतनी ही दे पाएंगे, या अगर फॉल्ट हो रहा है तो उसे ठीक करने में समय तो लगेगा ही, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, परंतु कम से कम हम अपने कंज्यूमर्स को यही बता पाए कि बिजली गई क्यों है, अब गई है तो कितने घंटे बाद आएगी। नमस्कार, केस टू कॉल सेंटर, कब से ब्रेक डाउन थे? ओके सर, दोपहर में और शाम को 9 से 11, SMS और कॉल से उनके फोन पे हम लोग ये सूचनाएं दे रहे हैं कि इस वजह से आपके घर में बिजली गई है और इतने घंटे बाद आने की संभावना। मैडम ने कम से कम सारे कर्मचारियों में भी विश्वास लगाया कि ये आपकी कंपनी है और आप ही इसको बढ़ा सकते हैं, आप ही इसको गिराने के लिए जिम्मेदार हैं, तो एक थोड़ी सोच बदली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड कंपनी, दैट वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। Generally speaking, the credibility of KESCO in public was very low. All thought that, you know, it's a very negative and a very bad kind of organization, and they are just there to cheat us and to loot us and to extract money out of us, and if light goes then everything is up to God and God knows when it will come back. So it was that kind of a negative kind of a thing. So my basic, prerogative was, to transform that first of all. नमस्कार, मैं रितु माहेश्वरी MD KESCO बोल रही हूँ। आप सम्मानित उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है, कृपया समय से बिल जमा करें जिससे प्राप्त धनराशि से आपको दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मोबाइल नंबर KESCO को उपलब्ध कराएं, जिससे ऊर्जा मित्र योजना के माध्यम से आपको विद्युत व्यवधानों की सूचना दी जा सके। राष्ट्र हित में ऊर्जा बचाएं, धन्यवाद। वो स्टॉप नहीं हुआ क्या? अच्छा उसमें दुकान नहीं आ रही, थोड़ा आगे चला गया वो, दोबारा करना पड़ेगा। दोस्त नहीं ना मेरा, बस तो वैसे ही फटी रहो, देखो आए तो रूम से हम आए से और ये ताल लगा, ताल दिला रहे बस, ताल और सब लोग जलाते हैं, हम भी जला रहे हैं।
तुम इतने मतलब छिछौड़े हो हाँ और क्या कभी अपने आप में तुम जला लेना है कैसा दे तीन बार मैं सिरा चुके हैं पहले 5 चले थे 6 बजे से लाइट नहीं आई थी और यहाँ 6 घंटे लाइट नहीं आ रही है जिंदगी भर लाइट ही नहीं आती अब ये 3 सालों जरूरत नहीं पड़ती है तू इसलिए जरूरत नहीं रास्ता तुम्हें नहीं था या उस्ताद बन रहे तुम्हारे बाप बन गए तुम आओ एसटी उड़े एसटी बांध चले जाओ उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है फिर राशन चल जाए बदल दुआ दे इधर तुम नहीं आओ तो हम भी अब आज हिम्मत कर ले हम तब हिम्मत पड़े जी तो हम ही काम तो नहीं तुम क्या तुम आओ दे राशन बना ले आओ ताल डाटो तो घंटा भी इंतजाम मार रही है अब तुम ज़्यादा ज़्यादा वो लाइन मारे बंद कर दो जे वहाँ जा रहे पब्लिक जाम लगाई थी वहाँ भी मार रही है यारो तंटाप तंटाप चप्पल अपल पड़ती है मारो पूरे केसा में हाथ लगा दी जाएगी मुहैया कराया जा सके पब्लिक को और रोजर के टाइम चल रहे रमजान का महीना है सबको पानी चाहिए चाहिए बगैर पानी काम चल नहीं सकता और मोटर बगैर बत्ती के नहीं चल सकती कानपुर जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था ये एक बहुत बड़ा शहर था यहाँ पे बहुत सारी मिलें थी काटन की मिलें थी और तमाम कपड़े थे जैसे लाली मिली थी बहुत मशहूर थी बहुत सी इंडस्ट्रियाँ यहाँ की बंद हो गई अब सिर्फ छोटे छोटे कारखानों के बेस पर ही रह गया यहाँ का काम भाई कारीगर की ये पोजिशन है अगर हम जनरेटर का अरेंज ना करें तो कारीगर भूखों मर सकता है क्योंकि हम लोग जो पर पीस बनाते हैं उसको मंथली सैलरी भी नहीं रखते हैं क्योंकि अगर मंथली सैलरी रखेंगे तो प्रोडक्शन होगा नहीं हमारे बच्चे भूखे मरेंगे अगर हम उसको प्रॉपर वे में काम नहीं देते हैं तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे तो हम लोग जनरेटर का सहारा इन्वर्टर का सहारा क्योंकि हम लोग छोटे व्यवसाय हैं पूरी लाइट मिले तो हमारा काम बहुत तेज तरक्की पर हो जाए 4 पैसे ज़्यादा अच्छे कमाए तो नेकर पहन के बैठे हैं ना लोअर पहन के बैठे हैं
कानपुर में जाजमऊ लेदर क्लस्टर में 414 टेंडियाँ हैं थी, जो आज के दिन घट के 200 भी नहीं रह गई हैं, सिर्फ ये पावर की प्रॉब्लम से बंद हो चुकी हैं। अगर इस पर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो और जो बच्ची कुची इंडस्ट्री वो भी ख़त्म हो जाएगी। सबका सर्वाइवल नहीं है कि सपोज़ करिए हम 100 रुपये का बिजली का बिल देते हैं तो 100 रुपये का डीजल जलाएं, वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली बी के डॉक्टर खुद को बहुत बुरा लगता है कि एक मरीज जिसने इतना भरोसा किया है नीस कमिंग, और हम इस और मतलब ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए जो कि कुछ नहीं है, इंसान की दी हुई है, और हम उसको वापस करें। समटाइम वी फील वेरी बैड, लेकिन वी आर हेल्पलेस, क्योंकि ऐसा करके उसकी सर्जरी करके उसकी जान को खतरे में तो नहीं डालना है ना, और उसकी बाद में परेशानी में तो नहीं डालना विदाउट बिजली। और सडन अगर बिजली चली जाती, कोई टाइम तो फिक्स है नहीं, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज हाफ मिनट तो करीब लग ही जाता है जनरेटर ऑन होने में, तो उसमें वो सम टाइम वेरी क्रिटिकल पोजीशन होती है उस वक्त, सम टाइम बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। वी ट्राई अवर बेस्ट टू डू, लेकिन फिर भी 35 ईयर्स हो गए नर्सिंग इन कानपुर, एंड बैड टू वर्स होती चली जा रही है। ये सब छाले पहुँच गए थे, ये जले, ये जले, ये उंगली जली हुई, ये जली हुई, ये जली हुई, ये उंगली के अंदर तार टूट गया था, ये टूट गया था, ये रुक गए थे, उंगली टेढ़ी हो तो याद लगते सीधी नहीं हुई है। तुझे हो सकता अल्लाह ताला ने सर एक उंगली से जो है सीधी उंगली डालो ये नहीं चलता है, वो तो टेढ़ी डाल दो, लोहा जो जैसी ही चुरा लेगा। इसी मारे अल्लाह ताला ने बिजली से टेढ़ी कर दिया, बदल जिंजरी बच गया, इतने नुकसान होने बाद हमारे बाल कहाँ कौन ले दिए, कौवे कौवे ना पिए रहे थे, उसे कौन नहीं जानता है, उसको तो ये पूरी मार्केट जानती है, उसी की मेहरबानी है ये जो ये सब काम हो रहा है। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है यहाँ मार्केट काम के लिए, यार उनके वजह से काफ़ी कारोबार भी अच्छा चल रहा है उनके वजह से। कार है टूटा है ये, वो कहीं से टूटा होगा बीच से तोड़ दे मुझे, मतलब तुमसे मुझे तो आती नहीं होती है। हाँ जरा काम में बिजी रहते हैं ना, बहुत बड़ा कारोबार तुम्हारा था और क्या। दल किरण छिपता था, ये नस है कहाँ रहते हैं, तो खून मिलता है किरण को, महादत तार अंदर घुसता चला जाता है, खून खत्म आदमी खत्म। तब हम ताल जोड़ते हैं, अपनी पूरा बदन टैग कर लेते हैं और पूरी साथ लोड़ लेते हैं, तब साथ चले जी किरण मारेगा, अगर साथ नहीं रो किरण कैसे मारेगा, किरण अपने आप भाग जाता थे, जो मुर्दा खड़ा हुआ है ये मेरा बाप है, इसको मारना जो है पहले मरा हुआ। लोहा का मतलब आप जानते हैं, ये बहुत सॉलिड आदमी है, जैसे लोहा होता है। अरे लोहा सिंह के बदौलत ही तो हम लोग का कारोबार चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया आदमी है यार, स्टाइल देखिए तेरे नाम। ये रही जाते जो इतने मोटे मोटे ताल जो बिजली चुरा ला रहे हैं, और उसमें हम नहीं चुराएंगे, हम तो उससे बड़े चोर हैं, हम तो जोड़ के दिखा दिया, देखो कटिया में जोड़ दिया, मोटा केबल देखा हमने भी इसमें जोड़ा, अब मोटा केबल वही डलता है तो इसे किराए पर लाइट बांटते ही उस सब चलते हैं, और हम भी किराए पर लाइट बांटते हैं, इसमें डाला रहे यार हिम्मत हो लो हटा दे दिखा देता। तार दौड़ा रखे तो थोड़ा बहुत लोगों को पानी मिल जाता है, सर इन्होंने तार दौड़ा रखे तो इसका गलत है क्या है, क्या गलत है सरदार जी, आप जो है हमें ढाई बना रहे अभी यहाँ से हीरो है मास्टर, और रात में ढाई भी रात में आदमी सब पानी लगाया एक, लेकिन सबसे ज़्यादा हमसे 70 गुना ज़्यादा इन्होंने तार लगा दिए, एक पाइप के लिए एक तार चलता है, हमसे ज़्यादा काम तो इन्होंने किया। आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर पंडित जी को बुला के विधि विधान से जो है ट्रांसफार्मर की पूजा की हुई है, इसका कारण ये है कि गर्मी में जो है गर्मी से जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, पारा जो है यहाँ पर कम से कम जो है कानपुर शहर का जो है 45 डिग्री से ऊपर पारा हो चुका है।
गर्मी में क्या होता है, लोड कुछ बढ़ जाता है, जो हम ओवर लोड बढ़ता जा रहा है, हमारी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के अबव लोड जा रहा है, तो हमें बार बार फीडर जो हमारे सेपरेट फीडर्स हैं वो कट करने पड़ते हैं ताकि हमारे ट्रांसफार्मर जल न जाए, फूक न जाए। ओवरलोड हो गया तो इसलिए ये इसको दिखा पड़ी होने के बाद में ये तो तीस किया गया। Shortfall at the state level. We have not been
at the state level, the production was not as much as to be on par with the demand requirements. So it was not concerned only with the local level supply position. It was basically we supply, we are a distribution company, we supply what we get. You know, to overhaul the entire system, it needs a lot of funds. And all the discounts, including KESCO, are in major financial losses. So that way, we do not have those many of funds to transform the entire system in a single day or even a single year. It is a continuous process. Whatever we get from the consumers in terms of revenue from the bills which they pay, that much we are able to put up in upgradation of the infrastructure. So if we get less, we are able to do lesser work. And if we get more, we are able to do more work. So it is directly proportional to that. रीटू मैडम, और नाम सुना है सबसे, ये आई है ना तथा पब्लिक तो जीने की सवाल कर दिया, उस तो सिर्फ पैसा दिखता है, मोहब्बत नहीं दिखती है। सबसे बड़ी एक नंबर ही चोर है, वही बिजली चलवा रही है। आप किसी ईमानदार के पास जाओ जी, कैसे लोहा सिंह के पास आए, आप पूछो उनकी उससे रिगार्ड में, जो गरीब होता है वो बताता है, वो गरीबों तो मार डी से बिल्कुल ही। मंगा लेके पानी लेके आओ इसे लेके आओ। कैसे होगा? बहुत तेजी में यार, हमें उठा लो मट्टी वहां से, हमें मट्टी वहां से रखी, उठा लो। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरे 24 घंटे बिजली आई है। आपके द्वारा फर्जी रिपोर्ट भेजी जाती है, फर्जी रिपोर्ट कि 24 घंटे बिजली आ रही। देखिए इंतहा देखिए, कल बिजली लाभ की कोई चीज कानपुर में नहीं थी, और ये कटौती दिखा रहे हैं मात्र 6 घंटे 20 मिनट। वैसे पावर क्राइसिस हमेशा बना हुआ है, गर्मियों में बना रहता है, हमेशा बना रहता है। निर्धारित कटौती जो हमारी 2 घंटे की है, उसके अलावा 1-2 घंटे की कटौती और हो जाती है। अबे झूठ की ऐसे की तैसी करे हो गए। कल कै बजे गई बिजली? कल कै बजे गई? कै बजे रात में आई? 9 बजे गई, 12-11 बजे आई। कै बजे आई जरा पूछ लो इन लोगों से। सुबह 10 बजे गई है, 11:30 बजे रात को आई है कि बीच में 1.25 घंटा बिजली आई। ऐसा काटोगे हमें 3 घंटे दोगे? अरे सिविल लाइन में है वीआईपी, उन्हें 18 घंटे दोगे? अरे एक बार मार डालो। कोई वीआईपी शहर में आता है? कोई वीआईपी शहर में आता है? उस वक्त लोड कहाँ जाता है? पत्रकार बंधु भी है, सभी लोग हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, एक बात सुन लीजिए विधायक जी, कानपुर के अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी और एक तरफा कार्रवाई अगर पुलिस ने करी तो शहर शहर नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट ये बात कह रहे हैं आपसे, आप सुन लीजिए कानपुर के। दूसरी बात जो हम सुनना चाह रहे हैं, जो आम पब्लिक सुनना चाह रही है कि हमें 24 घंटे में आप 1/2 घंटे बिजली देंगे, 1 घंटे बिजली देंगे, या बिजली 24 घंटे नहीं आएगी, ये आप हमें बता दीजिए। बताइए बिजली कितनी देर आएगी 24 घंटे में? 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे बिजली का हमें आसर सुन। बहुत अच्छी बात, 24 घंटे में 18 घंटे, हम 16 घंटे मांग के चल रहे हैं, और अगर 16 घंटे भी नहीं आई
अगर 16 घंटे भी नहीं आई मानो फिर हम होंगे और आप होंगे। आज करीब एक हफ्ते से धुआं दे रहा है यहाँ पर, जो मीटर लगा हुआ है जिनका जिनका भी मीटर लगा हुआ है उन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है कि उस मीटर को चेंज कर दिया जाए, इस ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया जाए। ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और अगर इस बीच कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका सारा श्रेय जो है केशा के अधिकारी रितु महेश्वरी पर जाता है। अरे भाई लाओ ना, आप देखो जल्दी करो। हां ला रहे ला रहे। विभागीय नहीं हूँ, आप विभागीय हो तो आप जानिए उसको, मैं नहीं जान सकता ना। यहाँ पे आप बैठे हो तो आपसे पूछेंगे ना, किसी और से पूछेंगे नहीं। यहाँ पब्लिक माधर चुत पैसा लेने के लिए बहुत बड़े गांव काटने के लिए खड़े हो जाते हो कि बिजली बिल नहीं दिया है। माधर चुत 3 बजे बत्ती नहीं दे रहे हो है? लेके झंडा खड़े हो जाओगे, छठा वेतन चाहिए, 18वां वेतन चाहिए, काम नहीं करोगे। एक लाइनमैन मैं हूँ, बाकी आप कौन से कहिएगा। दिमाग अपने तुम लोग ठीक कर लो, बिजली ठीक से दो ना, दिमाग ठीक कर दूंगा। बिल लेना होता है तो पूरी गाड़ी आती है, नहीं तो मैं अभी काट रहा हूँ। मैं तो तुरंत चेक दीजिए या कैश दीजिए, है ना? तब तो ये कहा जाता है चेक दीजिए या कैश दीजिए। अरे कितना टाइम और लगेगा, दिक्कत तो बहुत है यहाँ पर, पब्लिक बहुत है यहाँ पे इकट्ठा। जल्दी आओ यहाँ पर जो है। इनके कपड़ों उतार, मुंह काला करो, जूतों की माला पहनो, पत्रकार मौते खड़े हैं और इनकी फोटो खिंचवाओ। इनके झाड़ लौड़ा पकड़ लेगा। ए डामले पीछे ले चल, इसकी बहन की चूत हमको गाली पकड़ा है, तेरी बहन का चोत माता चोत तुझे मदद खा लग रही है। अगर हम जानते हमारे जेब में 50 रुपए है, हमको पता, हम 5 आदमी खाना खिला लेंगे, लेकिन हम बहना क्या दे रहे, 20 आदमी आओ खा लो। हमारे हम तथा नहीं जेब में, हम कहाँ से खिला देंगे? आप पावर प्लांट बना नहीं रहे हो, पत्ती हर जगह आपको बांटनी, कहाँ से बांटो, पैदा कर दोगे ये बताइए आप, पैदा करो। रोज की तरह हम लोग काम के लिए निकले, वसूली अभियान प्लस चोरी। उसमें अवैध तरीके से कटिया पड़ी हुई थी तो छत से वो हर तरफ चारों तरफ फैली हुई थी, पर उसको जिसे उतारने में चले उन्होंने कहा कल ना, तब वो 15-20 आदमी लेके आकर उसने हमका हमला बोल दिया। मैं वहाँ फंस गया, अगर हमको मारता हुआ देखे, वहाँ साथी भाई उस्मान भाई ने देखा तो उन्होंने अपनी जान परवाह किए बगैर हमको बचाने के लिए कूद पड़े, तब उनको वार कर दिया जिसपे काफी चोटें आई।
से कम ये पूछे, क्योंकि आप ही हमारे सजग पर जनता के लिए। किसका ताल सही था? किसका गाइस सही कर रहे थे? अपने घर का तार लगा रहे थे? अपने तार, मेरे तार में से डेर डालती हमारे तार में आए? और ज्यादा ऐठन भर रहा, ज्यादा ऐठन भर रहा नहीं, इतना नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हटना नहीं। तुम यहां रहते भी थे कि नहीं रहते थे जानते हो हमको? क्या चिढ़ाला? अभी चुपचाप रहो बस। वो काय झूठ बोल रहा है? वो हत्ता पहिया नहीं, हत्ता झूठ बोल रहा है? वो हत्ता पहिया नहीं, बस खामोश। कितना कह रहे हो? झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, हत्ता पहिया डाला है? नहीं डाला, हटो। कह रहे टटकिया डाला, मना कर रहे। ये बदलाव सीढ़ी काय ले रही है? तुम्हारा है ये सीढ़ी काय ले रही? खंबा तुम्हारा है? तो मेरा ही है खंबा, मेरा है खंबा, मेरा है। देखें जो उखाड़ते हो बनता उखाड़ ले। उखाड़ नहीं, मां छोड़ता नहीं है मेरी। हट उधर, हट हट। लोहा बहुत देर होगी, खामोश बस, हटो। हत्ता पहिया होगी जितनी होना चाहिए है। कार का हमारा सही तरह दोस्तों। कौन सा तार? तुम चढ़ो खंबे पे, तुम भी हटा दो। क्या कैसे ये खराब तो नहीं है? वैसे ये सही तरह वो बम तो ट्रांसफॉर्मर जला हुआ है, आदमी तो बत्ती नहीं मिलेगी। वो आदमी कहीं भी तार लगाए थे, अब जो इस यही जो दूसरे ट्रांसफॉर्मर में तार जोड़ा दिया है, पांच आदमी उठ चुके हैं और पाँचों आदमी तो जेल में पहुँचा दिए। नईम हैं, पैतरे हैं, इम्तियाज हैं, राजू हैं और पलव है, इन सब तो अंदर जेल में बंद कर दिया है। राजू के एक एसपी विधायक हाजी इरफान सोलंकी आज कैस्को यानी कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक एमडी ऋतु महेश्वरी से मिलने गए। हमारे है आपको काम लेके और आपको सुनना पड़ेगा। मैं आप बताइए क्या काम है? किसी अपनी कुर्सी बैठे से आइए। देखिए ये कली काम चाहिए, तुम लोग आते हो? I am not your servant. And so I am not. I have spoken a time and again. Please, if you can behave properly, sit here. Otherwise, please walk. If you going to talk with me, slow and soft. And all my children, my children, very well. आपको हमारी हर बात सुननी पड़ेगी, एक बार नहीं पचास बार सुननी पड़ेगी। और यहाँ भी सर को बुला के आपको पास में और आपको आना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र ताला सही नहीं है। बुला करें आप पहले सीख ले कि जनप्रतिनिधियों से कैसे बात करी जाती है। आपको इन्होंने नहीं, नहीं बताया। आप इस तरह से मत बात कीजिए और आप इस तरह बात नहीं कर पाएंगे हमसे। ठीक है, आप जाइए। The power-drunk MLA Irfan Solanki has now been booked for criminal intimidation and threatening a public servant. But then, that has not stopped him. He has warned of launching a city-wide agitation if the official is not sacked. केस को एमडी से अभद्रता किए जाने के मामले में आज आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी प्रशासन ने खासा मशक्कत के बाद उनके आवास में जाकर की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए केस को एमडी ऋतु माहेश्वरी का पुतला फूका। देखिए पूरी फिल्म आपसे छुपी नहीं है, आप सबको मालूम है क्या फिल्म है, क्या एपिसोड है, क्या क्या है। न्यारे की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। मुझे यकीन था कि सच भले धीरे चलता हो
पर विजय उसी की होती है और झूठ मंजिल पे पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। हम जीते हैं तो ऊपर वाले का क्रम है, और क्योंकि हमने जनता की लड़ाई लड़ी थी, मैं अपने घर का बिजली का बिल कम कराने नहीं गया था, जनता की दुआ रही, हमारे जो जज बैठे उन्होंने मुझे बिल दिए। कहाँ से रून बढ़ाओ जब नाटे बस तुम लोग खाओ, हमारे पल ध्यान नहीं दो, हम जा रहे नाटक के। अम्मी आइए, हेटला लल नाटक शुरू हो गया। मतलब खाली नाटक देखते रहोगे और कुछ नहीं है तुम्हारा, काम धंधा करो, दुकान के पे घर का खर्चा रखो, बाप की कम से कितनी जरूरत कराओगे। फालतू बात नहीं करो, नाटक देखने तमाशा पड़ जाएगा, तमाशा जितना हमने तुम्हारे पर करा उतना हम चले दो। हाँ बताओ बताओ, खाना तुम हमें खिलाओगी? हाँ खिलाते हैं। क्या बता रही हो? दाल, दाल। आदमी दाल खाता है? मुर्गा खाएगा, कमाई दे, कमाई दे। लेकिन तलाइए पकाया तुमने? कमाई दे का? कमाई दे। कितनी कमाई? एक बार खाना खाने में खाना भी नहीं मिलेगा। असली अम्मा तुम मेरी होती, पानी ला देती, प्यासे बैठे हुए मेरी तुम नकली अम्मा बैठे होते तो उनको खुद पानी देते। बिजली का काम ना करो, कोई भी काम करो जिसमें फायदा तुम्हारा भी हो और हमारा भी हो। हमने कह दिया 6 रुपए कमाओ, 3 हमको दे, 3 तुम दे, यानी हम बिजली छोड़ दे। हैं बिजली हम छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे, कोई और काम कर लो हमसे जो है, कोई काम हो तो कर लेंगे, मतलब इससे तो फायदा नहीं है। फिर इसी में जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का, जिंदगी बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। कितना हम तुम्हें समझाते हैं, कितना हम रोते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है हमको बुलाते हैं। तमाम काम कर लो, कोई सब काम कर लो, जो काम अच्छा समझो वो करने लगो। क्या छोड़ रहे हो? काम ही नहीं आता तो इधर तुम रो नहीं, परेशान नहीं हो, सब सही हो जाएगा सब। बिजली का उत्पीड़न के मामले में आपको फंसाया गया,
कितनी बार इसे थाने में फर्जी आप दोनों को फंसाया गया है। मुझे पता चला कि एक मामला हो गया है कि फर्जी ने बुनकर समाज के लोगों के ऊपर 35,000 रुपए का समर्थ मूल्य लगा दिया। वो समाज जिसने 35,000 रुपए ऐसा कभी देखे भी ना हो। जब मुझे पता चला तो यकीन मानी है ना, हमने आओ देखा ना ताओ, तुरंत पहुंच गया उनकी मदद करने। एक तो महिला ऊपर से आई है घमन में झूठ, उसने उन गरीब की बात सुनना कर पसंद नहीं करा, फाइल उठा के फेंक दी। उसको हमने सबक सिखाया कि मेरे पीछे आपकी ताकत थी। मुझे यकीन था मेरे साथ आप लोग हो। बारों में हमसे नहीं पूछा लो, तब उनका नाम लेते हो मेरा खून जलने लगता है। पूछो क्यों? तू ये इसलिए, तब इलसन होता है, इलसन होते हैं, हाथ जोड़े हैं, बाबूजी मोहर लड़ाना सैतीर पे, मोहर लड़ाना पंजे पे, मोहर लड़ाना कमल पे फूल पे, मोहर लड़ाना हाथी के ऊपर, चलो सब पे मोहर रख दी। पब्लिक इतनी चूतिया है, गए छाप चले आई, जीत गए। तब जीत गए फिर कोई सामने नेता नहीं दे सकता है, सारे वादे तल लेते हैं, उसके बाद सारे वादा इलेक्शन जीत गए, सारे वादे तोड़ दिए। हमने कहा दादा कहा नहीं दादा तू नहीं था मौत जिंदगी, तब इलेक्शन आई है फिर हाथ जोड़े यहाँ बाबू जी ख्याल लड़ना, तब जीत गए थे। पब्लिक की माँ चुप गई, ख्याल ख़त्म, पब्लिक ने ख्याल कर लिया, मतलब पब्लिक तो वो ख्याल नहीं कर लिया। यदि इसने केंद्र की सरकार ने ज्यादा दखल नहीं दिया तो फिर प्रदेश की जनता को कुछ ही वर्षों के अंदर हर हालत में यहाँ बिजली 24 घंटे जरूर मिल जाएगी।
Irfan, has your report card come? Yes. Did you see it? What is written in it? So, you also see? I saw it, yes. But did you see it? No, I didn't see. Why? Because I was doing something else. You were doing something else? Is it tight? Mm-hmm. Is it tight? Yeah. Okay. It has been 1 year where my son has studied continuously in one school for the past 1 year. Otherwise, his nursery, he did it in 5 different cities. I had so many transfers earlier that, you know, he couldn't even complete his nursery in one school. The best part, you know, as you say, government service has a lot of charm. So the best government officer, I would say, is the one who comes to office, signs off the files, goes off and is very cool. For him or his or her children, it is the best life, I would say. But if you want to do something different and if you really want to change the way things are going on, then life is really tough for you. Because with every change, there are 100 of people who are attached to the old system, who really don't want that the system should change. Give it to me. Chalo. Right? Batting. Acha, birdie kahan birdie? Birdie. Oh, birdie. Birdie come? Birdie. Birdie come? Birdie. Bye. Change has been really tough. If I think that everyone is corrupt and I'll blow off everyone and I'll shoot off everyone and I'll totally change the system, if I have that kind of a feeling, then I am a stupid, frankly telling you. I have to have a middle path. I have to look for those things which I can change in the first place. I have to look for the softer options in the beginning. Because if I start with the toughest thing first, then I'll be gone. So I won't be there itself. Then what is the use of me being there? Hello? Haan ji? Haan, bol rahi. To chaliye, aap kal office mein aaiye. Theek hai, phir dikhwate hain. But I am generally working for feeling good, feeling satisfied, and making it big in the way of my name and fame in society. That's it. I just want to do something different. Oh!
पेट पे मछली पानी में बंदर भूसे के महलों का सूखा समंदर धूल पे घोड़ी हालत अजीबी हर कोई लगता रशीद की बीबी रशीद की बीबी अरे बीबी जी के नेक हाथ में एक हाथ का चूड़ा और आधे मुझे चिरा के डाले पूरा कान पूरा भैया पूरा कान पूरा अरे पूरा कान पूरा है पूरा कान पूरा एमडी के को श्रीमती ऋतु महर्षि जी के विदाई समारोह समाज समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। मैडम ने यहाँ लीडरशिप प्रोवाइड की है, आगे भी और जगह जाके लीडरशिप प्रोवाइड करेंगी और मैं चाहता हूँ कि किसी स्टेट को हेड करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ में हम लोगों ने गुलदस्ते दिए हैं। कसर गई और बसर मची है चाट के लाल दतूरा और आधे मुझे चिराग के तले पूरा कान पूरा और आधे मुझे चिराग के तले पूरा कान पूरा भैया पूरा कान पूरा अरे पूरा कान पूरा भैया पूरा कान पूरा बात खड़ा हो गया, पान खा लिया, मसाला खा लिया, एक दिन खिला दी, दो दिन खिला दी, तीसरे दिन दे देना पैसे लाओ। कहाँ से पैसा दे बोलो, कहाँ से पैसा दे? अबे मेरे पास रोज पैसा रहता है। कहाँ से पैसा आता है बतलाओ तो, कहाँ से आता है? ये तुम बोल रहे हो सीबीआई इस्माइल बेचते हो तुम का? किसी मादर चौक से, किसी मादर चौक से पूछवा। फिर ये बतलाओ पैसे आते हैं तुम्हारे कहाँ से? आता है, अल्लाह देता है। ये भोसड़ी की बिजली चोरी थोड़े बिजली की चोरी थोड़े नहीं करते। कौन कर रहा है? तार भोसड़ी की सबूत है। क्या बात है मेरे भाई? ये हम शराबियों के ऊपर की औरतें कह रही है, बुलबुलो शोर मत मचाओ, मेरे सनम सोते हैं, तुम तो चले जाओ के बाद में मुझ पे खपा। बैठो, तुम्हारे अवतार का यार बात कितनी तुम जो है पीते हो उतनी हम सवेरे जो है बहा देते हैं ऐसे ही पेशाब में। मेरी औकात क्या है? कोई अवतार नहीं तुम्हारे यार। तब अब माधव चित मेरी औकात नहीं है तो मैं आपको हराम की खा रहे माधव चित बिजली का तार लगा रही हूँ यूं यूं सब माधव चित हराम की खा रहे हराम खा रहे। एक मिनट, अबे हम तो भोसड़ी के अपना पैसा खर्च करके पी लेता है, जात दीवारी लगा रहे ताल जोड़ते हैं, समझ में आया? चोरी माधव चौथ कर रहे। एक मिनट, तुम मेरे रच्चा हो, चोरी भोसड़ी तुम मेरे रच्चा हो, हम किसी से थाने नहीं डलते हैं, हराम जी मेहनत हराम जी है। बढ़िया बढ़ो, एक पूरी थाने जाओ तो पैसे देना पड़ेगा वहां पे ठेले वाले पास। बैठ भोसड़ी की बात, तुमने रहा रहे हराम जी थान है किस मादल सो से हराम जी सारे भोसड़ी के हराम बताओ कौन भोसड़ी हराम जी सारा दे दो इलाज चलाने आए थे तो भोसड़ी था फ्री में लाइट देते थे आए बैठ 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 और पियो पियो भोसड़ी क्या गिलास
Dur sever